जिंदाबाद। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम भाइयों बहनों को, नौजवान दोस्तों को, दुकानदार भाइयों को, मेहनत मजदूरी करके, ठेला रिक्शा चलाकर, टैक्सी चलाकर अपना पेट भरते हुए परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम कामगारों को, आप तमाम नागरिकों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, ये स्वतंत्रता दिवस की संध्या है और इस सांझ हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में आजाद होने का मायने क्या होता है। सबसे पहले मैं आप तमाम नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और एनआरसी के खिलाफ जो यह ज्वाइंट फोरम बना है, यह जो ज्वाइंट कमेटी बनी है, उनका बेहद शुक्रगुजार हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मार्च की शुरुआत रक्षाबंधन से किया है। और रक्षाबंधन के संबंध में मैं आप तमाम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रक्षाबंधन कभी भी एक धर्म का त्योहार नहीं था। रक्षाबंधन के संबंध में आप लोगों को मालूम होगा कि रानी रत्नावती ने हुमायूं को राखी बांधी थी। रक्षाबंधन के त्योहार के संबंध में अभी आपको साथी प्रसेनजीत ने बताया कि जब बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में राखी बांधने की सलाह दी थी। उस परंपरा को याद करते हुए यह मार्च ठाकुरबाड़ी से चलकर राजा बाजार पहुंचा है और इस मार्च का अपना एक उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि किसी भी कानून के नाम पर, हिंदुस्तान में किसी भी नियत के नाम पर हिंदू और मुसलमान को जो लड़ाने की साजिश की जा रही है, इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए, इसका विरोध किया जाए, इसकी मुखालफत की जाए। दोस्तों, इस त्योहार का भी, रक्षाबंधन जो प्रेम का त्योहार है, इसका भी मैं आप तमाम लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज जब हम एक साथ स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन मना रहे हैं, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान में आजादी की क्या स्थिति है और प्रेम के त्योहार को मनाते हुए आज लोगों के बीच में प्यार का कितना असर है, इसका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। और अगर हम हिंदुस्तान में आजादी को याद कर रहे हैं, उस दिन को याद कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो हमें यह भी याद करना पड़ेगा कि यह आजादी हमको मिली कैसे। हिंदी का एक मशहूर गाना है, परदेसी ये बात न पूछो कैसे हम आजाद हुए, कितने माँ की गोद लुट गई, कितने घर बर्बाद हुए। ये जो आजादी मिली है, ये मुंह से बोल देने से नहीं मिली है। ये आजादी सिर्फ फेसबुक का प्रोफाइल पिक बदल देने से नहीं मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आजादी हाथ में तिरंगा लेकर एक बाइक पे ट्रिपलिंग करके बिना हेलमेट के सिग्नल तोड़ने से नहीं मिली है। यह आजादी लोगों ने अपने कैरियर को दांव पर लगाया। भगत सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, भगत सिंह जिनको शहीद आजम कहा जाता है, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो अपने क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट थे। अगर वो चाहते तो वो भी पढ़ाई खत्म करके बहुत अच्छी नौकरी ले सकते थे, टाई लगा करके, हैंडसम बन करके, अंग्रेजों को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कह करके बहुत पैसा कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, जिस देश की जनता गुलाम हो, उस देश के नौजवानों को अपने कैरियर की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको देश की चिंता करनी चाहिए।
ये देश है खुदीराम बोस का, जिस उम्र में खेलना अच्छा लगता है, जिस उम्र में मोहब्बत करना अच्छा लगता है, जिस उम्र में सिनेमा देखना अच्छा लगता है, उस उम्र में खुदीराम बोस बम बना रहे थे और अंग्रेजों के ऊपर बम फेंकने के चलते उनको फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा था। यह देश है जिस देश की कुर्बानी में हर जाति और धर्म के लोगों ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। यह आजादी खैरात में नहीं मिली है, यह आजादी बड़े मेहनत से मिली है। और आज जब हम उस आजादी को याद कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको यह समझने की जरूरत है कि हम गुलाम कैसे हुए थे, अंग्रेजों का शासन कैसे स्थापित हुआ था। और जब आप उस दौर को याद करेंगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आज ये सरकार हमारे साथ इस तरह की साजिश क्यों रच रही है। अंग्रेज आए थे सूट पहन करके मुगलों के दरबार में, भारत को गुलाम बनाने के नाम पर नहीं, दुकान खोलने के नाम पर आए थे, व्यापार करने के नाम पर आए थे। 2014 में जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो ये नहीं कह रहे थे कि वो एनआरसी लाएंगे और 370 हटाएंगे, वो कह रहे थे कि हम डेवलपमेंट लेकर के आएंगे, रोजगार लेकर के आएंगे, 15 लाख आपके खाते में पहुंचाएंगे, काला धन खत्म करेंगे, इस नाम पर वोट लेकर के गए थे। अंग्रेज जब आए थे तो कहा था हम रेलगाड़ी चलाएंगे, हम डाक खानों का विस्तार करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम कपड़ों का मिल लगाएंगे। ये नहीं कहा था कि हम हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाएंगे, हिंदुस्तानियों की धन संपदा लूटकर एक रेस्तरां बनाएंगे जिसके बाहर ये लिखेंगे कि इसमें कुत्ते और भारतीय घुस नहीं सकते हैं। आज हमारे साथ ये नहीं हो रहा है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिनके बाप दादा हिंदुस्तान के थे, आज उन लोगों को कहा जा रहा है कि एनआरसी के नाम पे तुमको हिंदुस्तान से बाहर करेंगे। इस बात को आप सोच करके देखिए। और अंग्रेज जब यहां व्यापार करने के लिए आए तो उनको कुछ ही दिनों में पता चल गया कि इस देश में डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विविधता बहुत ज्यादा है। एक ही राज्य में जो एक भाषा बोली जाती है उसके उत्तर में जब आप जाएंगे तो भाषा किसी और तरीके से बोली जाएगी, और दक्षिण में जब जाएंगे तो भाषा किसी और तरीके से बोली जाएगी। मतलब पूरे बंगाल में एक ही बांग्ला नहीं बोला जाता है। बंगाल का कौन सा हिस्सा किस राज्य के नजदीक है और वहां कौन सी भाषा बोली जाती है उसका प्रभाव उसके ऊपर दिखाई देता है। ये आपके विधायक जी इतना बढ़िया हिंदी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार से सटा हुआ इनका घर है। ये हिंदुस्तान की खासियत है, एक ही धर्म में आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। अगर आप मुसलमान की ही बात कर लेंगे, खान, पठान, अंसारी, सिया, सुन्नी, अहमदिया, तरह तरह के लोग मिलेंगे, देवबंदी, बरेलवी, तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे। अगर आप हिंदुओं की बात कर लेंगे तो आपको शाकाहारी हिंदू भी मिलेंगे और मांसाहारी हिंदू भी मिलेंगे, आपको राम को मानने वाले हिंदू भी मिलेंगे, आपको शिव को मानने वाले हिंदू भी मिलेंगे, आपको वो हिंदू भी मिलेंगे जो जलाते नहीं दफनाते हैं। और ये मैं मजेदार बात आपको बोल रहा हूं। अब जब आप कर्नाटक जाएं तो कर्नाटक में एक समुदाय है जिसका नाम है लिंगायत। हम लोग कहते हैं कि वो हिंदू हैं, वो कहते हैं कि हम पूरी तरह से हिंदू नहीं हैं। और जब आप देखेंगे कि उनके घर में कोई मरता है तो उस लाश को वो जलाते नहीं हैं, उनका अपना कब्रगाह है। और मैं ये बात बोल रहा हूं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, वो जब उनके घर में कोई मरते हैं लिंगायत समुदाय के लोग, तो उसको कब्रगाह में ले जाते हैं, उसको दफन करते हैं, और जो दफन करने के बाद या तो गरीब लोग हैं तो मिट्टी से एक टीला बना देते हैं, अगर अमीर लोग हैं तो मार्बल मंगा करके उसके ऊपर लगा देते हैं। उस टीले के ऊपर भगवान शिव की शिवलिंग रख दी जाती है। यह परंपरा भी हिंदुस्तान की परंपरा है। जब अंग्रेजों ने देखा कि यह देश इतना विविध है,
तो इस देश पर राज कैसे किया जाए, इस देश पर शासन कैसे किया जाए। तो अंग्रेजों ने एक तरकीब निकाली जिस तरकीब का नाम है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। और यह जो फूट डालो राज करो की परंपरा है, अंग्रेजों से अगर ईमानदारी से कोई सीखा है तो वो भाजपा है, वो ये संघ परिवार के लोग। अब आप पूछिए कि ये फूट डालो राज करो की नीति इतना बढ़िया ये सीख कैसे लिए, क्योंकि पढ़ने लिखने में भारी कमजोर होते हैं। मोदी जी अपना सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिखाए हैं। तो एक बात बताइए, आपके घर में यदि तोता हो तो तोता को अगर बार बार बोलिएगा मिट्ठू बोलो राम, तो तोता भी बोलेगा मिट्ठू बोलो राम, तोता मिट्ठू बोलने लगता है। ये आजादी के आंदोलन में नहीं थे, ये अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा कर रहे थे, इसीलिए फूट डालो राज करो की नीति को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बहुत आसानी से जब हम लोग आपस में लड़ रहे थे उसका फायदा उठा करके अंग्रेजों ने इस देश पर 200 साल तक राज किया। और अंग्रेज जब जाने लगे तो कहा कि कुछ ऐसा करके जाते हैं कि 15 अगस्त को जब ये लोग आजादी का जश्न मनाएं तो हमको याद नहीं करें, एक दूसरे को गाली देते रहें। एक बात सोच करके हमको बताइए, 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी ब्रिटेन से मिली, 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आजादी ब्रिटेन से मिली, लेकिन 14 अगस्त को आप पाकिस्तानी चैनल खोल करके देखिए तो वो हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं, और 15 अगस्त को हिंदुस्तानी चैनल खोल करके देखिए तो वो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। आजाद हुए ब्रिटेन से, लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, और गाली एक दूसरे को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हम तो जा रहे हैं लेकिन फूट डालो का बीज छोड़ करके जा रहे हैं। आप सोच करके हमको इस बात को बताइए कि जो बात 1947 में कही जा रही थी पार्टीशन के वक्त, क्या आज उन्हीं बातों को नहीं दोहराया जा रहा है? और किसके नाम पे दोहराया जा रहा है? धर्म के नाम पे दोहराया जा रहा है। एक बात सोच करके हमको बताइए, जिन्ना साहब कभी मस्जिद नहीं गए थे, अचानक से उनको इस्लाम की याद क्यों आ गई थी? सोचे हैं इस बात पे कभी? और हिंदू महासभा का नेता सावरकर कभी मंदिर नहीं गया था, अचानक से उसको हिंदुओं की कैसे याद आ गई थी? अपने दिल पे हाथ रख करके एक बात हमको बताइए, अगर कोई सच्चा धार्मिक व्यक्ति है, चाहे वो मंदिर जाता हो या मस्जिद जाता हो, चाहे वो गुरुद्वारा जाता हो या चर्च जाता हो, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कभी भी इस बात से खुश नहीं हो सकता कि उसके धर्म के नाम पर, उसके भगवान के नाम पर लोगों का खून बहाया जाए। इस बात को आप महसूस करना शुरू कीजिए, धार्मिक होने का मतलब सांप्रदायिक होना नहीं होता है। यह जो कांवरिये कांवर लेकर के जल उठा करके जा रहे हैं, ये सांप्रदायिक लोग नहीं हैं, ये धार्मिक लोग हैं। और कई बार धर्म तो हम लोग फैशन में भी करने लगते हैं ना, आनंद में भी करने लगते हैं, देखा देखी में भी करने लगते हैं। बाबूजी अगर 5 वक्त के नमाजी हैं तो बेटा अगर उनको फॉलो करता है तो वह भी 5 वक्त का नमाजी बन जाता है। बाबूजी अगर रिलीजियस हैं, माँ अगर रिलीजियस है तो बच्चा भी धीरे धीरे रिलीजियस बन जाता है। हमारा देश एक रिलीजियस देश है, और रिलीजन को अपनाने के लिए किसी पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं है, आप परिवार में ही रिलीजन को अपने आप अपना लेते हैं। हमारा जो एक एक त्यौहार है उस त्यौहार में हमको हमारा रिलीजन पता चलता है, हमारे नाम से हमारा रिलीजन पता चलता है, हमारे रिचुअल से हमारा रिलीजन हमको पता चलता है। रिलीजियस होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिलीजन के नाम पे खून खराबा करने में बुराई है। ये रिलीजन के भी खिलाफ है और ये इंसानियत और मानवता के भी खिलाफ है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताता हूं,
डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं किसी भी जलसे में जाकर, किसी भी मंच पे जाकर हिंदुस्तान की आवाम को डराता नहीं हूँ। इसलिए नहीं डराता हूँ क्योंकि हमको पता है कि ये सिर्फ शोरगुल है, ये सिर्फ हवाबाजी है, इससे होना कुछ नहीं है। ये बात मेरी मान लीजिए आप, हिंदुस्तान में इस तरह की कोई चीज नहीं चलने वाली है जो एक्सट्रीमिज्म पे आधारित हो, जो अतिवाद पे आधारित हो। इस बात को आप जान लीजिए। जब मुगल आए थे हिंदुस्तान तो उनको भी ये बात समझ में आ गई थी कि तलवार के नोक के दम पर तो इस देश को राज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अकबर की शादी जब हुई जोधाबाई से तो खुद अकबर एक महीना कृष्ण का झूला सावन में झूलाते थे बैठ करके। और जब दुनिया के दूसरे बादशाहों ने अकबर से पूछा कि कौन से मुसलमान हो, तो अकबर ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान है। जो लोग काम करने के लिए दुबई जाते हैं और गल्फ में काम करते हैं, उनसे अक्सर ये बात पूछी जाती है कहां से आए हो, तो बोलेगा कि हिंदुस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। तो कहेगा कि तुम लोग सब बुत परस्त मुसलमान हो। आप लोग कभी गौर किए हैं, 786 का कैलेंडर सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान ही अपने घर में लगाते हैं, दुनिया के मुसलमान नहीं लगाते हैं। और 786 नंबर का बिल्ला हिंदुस्तान के सिनेमा में ही अमिताभ बच्चन का होता है, कुली नंबर एक में। यह हिंदुस्तान का कल्चर है। इस देश को इतनी आसानी से नहीं अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह देश एक दिन में नहीं बना है। आरएसएस 1925 में बना, उससे पहले भी देश था, और आरएसएस जब खत्म हो जाएगा तब भी यह देश रहेगा। यह देश की खासियत होती है। बीजेपी 1980 में पैदा हुई, उससे पहले भी देश था। हो सकता है कि बीजेपी 5-10 साल में निपट जाए तब भी देश रहेगा, क्योंकि ये देश की खासियत होती है। जो लोग आज देश को नहीं समझ रहे हैं, असल वो लोग घबरा रहे हैं। मुझे तो कोई घबराहट नहीं होती है। मुझे इसलिए नहीं घबराहट होती है कि ये देश गांधी का देश है। और मजेदार बात देखिए कि जिस नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी जवानी जय गोड से करके बिताई थी, जब बुढ़ापे में देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उस गांधी की ताकत देखिए कि वो गांधी के सामने झुकते हुए, माला चढ़ाते हुए सोचता होगा कि हमने एक बार इसको मारा, ये हर साल 2 अक्टूबर को हमको थप्पड़ मारता है, हमको झापड़ मारता है। ये गांधी की ताकत है, ये हिंदुस्तान की खासियत है। जिसको हिंदुस्तान समझ में नहीं आ रहा, वो डर रहे हैं या वो लोगों को डरा रहे हैं। मैं कहता हूं न डरने की जरूरत है न डराने की जरूरत है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा था और ये देश हमारा रहेगा। इस देश को हम किसी भी सूरत पे बटने नहीं देंगे, इस देश को हम किसी भी सूरत पे टूटने नहीं देंगे। अरे एक बार तो कोई भी किसी को अपने जाल में फंसा लेता है। हम एक बार जिन्ना और सावरकर के जाल में फंस गए, अगली बार हम नहीं फंसने वाले हैं। बिल्कुल, अगली बार हम नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि वो इतिहास आज हमारे सामने है। इसीलिए जब आज 15 अगस्त है और मैं बंगाल की पवित्र भूमि पे खड़ा हूं, तो मैं आप तमाम लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अगर विभाजन का सबसे ज्यादा दर्द इस देश में किसी राज्य ने झेला है, तो वो बंगाल की धरती है और वो पंजाब की धरती है। पंजाब में एक बार ऑलरेडी एक आंदोलन खड़ा हुआ, वो आंदोलन दबा और उसका दंश पंजाब झेला था। बंगाल में वही कोशिश आज हमारे साथ की जा रही है। याद कीजिए कि बंगाल जब पार्टीशन होने की बात शुरू हुई 1946 में, कितना बड़ा दंगा हुआ था। पूरा का पूरा कलकत्ता जल रहा था और गांधी को नौवा खोली आकर के बैठना पड़ा था उस दंगे को शांत कराने के लिए। तब तो जिन्ना नहीं आए थे, सावरकर भी नहीं आया था, गोडसे भी नहीं आया था, हेडगेवार भी नहीं आया था, और वो तमाम लोग जिनको आज मोदी जी पूजते हैं, वो तो नहीं आए थे उस दंगे को बंद कराने के लिए।
वो महात्मा एक डंडा लेकर के हिंदुस्तान में उस दंगे को शांत कराने के लिए बंगाल की धरती पर आया था। आप इस बात को समझिए कि भाजपा फिर से बंगाल को विभाजन के उस दौर में ले जाना चाहती है, इसीलिए बार बार हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि असली मकसद ये है कि लोग आपस में धर्म के नाम पे लड़ते रहें, लेकिन उनके जीवन में जो बेकारी आई है उसके खिलाफ वो कोई लड़ाई ना लड़ें, उनके जीवन में जो गुर्बत बढ़ी है, जो गरीबी बढ़ी है, उसके खिलाफ वो कोई लड़ाई ना लड़ें। किसान जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान के बच्चे सड़कों पे ना निकलें, बड़ी मुश्किल से पढ़ने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद डिग्री लेकर के आप दर दर भटक रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 100 में से 45 लोग आज बेकार हैं। इसीलिए हर वो नीति जो सरकार कहती है कि हम विकास के लिए लेकर के आए हैं, दरअसल उसका नियत इस देश में सांप्रदायिकता की जहर को फैलाना है, इस देश में धार्मिक झगड़े को बढ़ाना है, इस देश में धार्मिक उन्माद को बनाना है। तो नीति चाहे कुछ भी लाई जाए और प्रधानमंत्री के द्वारा यह दावा किया जाए कि यह विकास के लिए लाया जा रहा है, लेकिन उसका नियत विकास और न्याय नहीं, समाज में नफरत और उन्माद को फैलाना है। लेकिन सवाल यह है कि आप इन नीतियों का विरोध कैसे करेंगे। जैसे 3 तलाक का जब बिल लाया गया तो सरकार ने कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं। अब बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी भी प्रक्रिया को, जो न्याय दिलाने की बात की जा रही हो, उसका विरोध करे? कोई उसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन क्या नियत यही है? क्या वो सचमुच मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं? इस पे आप विचार कीजिएगा। अगर महिलाओं को न्याय दिलाना इनकी प्राथमिकता होती तो कुलदीप सेंगर को ये बचा नहीं रहे होते। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने डांट नहीं लगाई उन्नाव रेप केस में, कुलदीप सेंगर को इन्होंने जेल में नहीं डाला, उसको अपनी पार्टी से नहीं निकाला। मतलब इनका उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाने का नहीं है, इनका उद्देश्य समाज में धार्मिक मतभेद को बढ़ाने का है। फिर इन्होंने कहा कि हम 370 हटा रहे हैं जिससे कश्मीरियों को न्याय मिलेगा, कश्मीर में विकास होगा, कश्मीर में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब बताइए कि कोई भी व्यक्ति इस बात का विरोध करेगा कि विकास नहीं होना चाहिए, नए रोजगार के अवसर नहीं पैदा होने चाहिए, आर्थिक उन्नति नहीं होनी चाहिए? कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन नियत क्या है? क्या नियत यही है? अगर नियत यही होती तो भाजपा के एक मंत्री अपने घर के बाहर कश्मीरी लड़की का फोटो नहीं लगाते, और भाजपा के एक CM ये नहीं कहते कि अब हमारे यहाँ के लड़के कश्मीर में जाकर के शादी कर सकते हैं। हमारा बिहार का जो डिप्टी CM है वो ये नहीं कहता कि अब बिहारियों को कश्मीर में रोजगार मिलेगा। नियत ये नहीं है। नियत क्या है? नियत वही है जो इन्होंने नोटबंदी को लागू करते हुए स्पष्ट की थी। नोटबंदी को लागू करते हुए इन्होंने क्या कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद
नक्सलवाद और काला धन का समस्या समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी हुई, नोटबंदी होने के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दिया और रिजर्व बैंक ने कहा कि 99% से ज्यादा पुराना नोट वापस आ गया, तो आप बताइए काला धन कहां गया। और अगर काला धन वापस आया तो काला धन वापस आने के बाद आपके खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचाया गया। और इनका दूसरा दावा था कि इससे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। तो अगर आतंकवाद समाप्त हो गया तो पुलवामा में आपके चचा जान आए थे हमला करने के लिए, कौन किया था उन्होंने। उसके बाद जीएसटी लाई गई। जीएसटी लाने के बाद इन्होंने कहा कि टैक्स चोरी बंद हो जाएगी। और अभी सरकार ने कहा कि जो सीएसआर की चोरी करेगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक टैक्स होता है जो कॉरपोरेट घरानों के ऊपर लगाया जाता है, अगर सीएसआर की चोरी करता हुआ जो पकड़ा जाएगा उसको जेल में डाला जाएगा। तो मैडम जी, वित्त मंत्री जी, आपने कहा था कि जीएसटी लागू करने के बाद टैक्स का चोरी बंद हो जाएगा, तो टैक्स का चोरी अभी भी कैसे हो रहा है, सवाल का जवाब आप उनको दे दीजिए। मतलब जीएसटी का उद्देश्य टैक्स की चोरी रोकना नहीं था, जीएसटी का उद्देश्य यह था कि इस देश में लाखों करोड़ों लोग जो छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो कांटी बनाते हैं, नट बनाते हैं, प्लास्टिक का खिलौना बनाते हैं, छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, जहां 10, 15, 20, 25, 50 मजदूर काम करते हैं, जो छोटे छोटे कपड़ों के उद्योग हैं, जो छोटे छोटे टूल्स बनाने के उद्योग हैं, जो छोटे छोटे घर के जरूरी काम में आने वाले चीजों का उत्पादन करने वाले जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को तबाह कर दिया जाए और ये सारा पैसा लूट करके अंबानी और अदानी के खाते में पहुंचा दिया जाए, यह जीएसटी का उद्देश्य था। और आप बताइए कि जीएसटी आने के बाद जो छोटे व्यवसाय करने वाले जो कलकत्ता के व्यवसायी हैं, उनको पता चला होगा कि उनके रोजगार पे इसका कितना बुरा असर पड़ा। नोटबंदी का उद्देश्य यह था कि आपके पॉकेट से पैसा निकाल करके बैंकों में जमा कर दिया जाए। इसीलिए जब पहली बार आए थे तो कहा कि जनधन का खाता खुलवा लीजिए, लोग धराधर जनधन का खाता खुलवा लिए, लगा इसी खाते में 15 लाख रुपया आने वाला है। और जनधन का खाता खुलवाने के नाम पर 500-500 रुपया लोगों से जमा करा लिया और अपने दोस्त नीरव मोदी को कर्जा देकर के उसको फ्लाइट पकड़ करके विदेश पहुंचा दिया। ये नोटबंदी का उद्देश्य था। ये नोटबंदी का उद्देश्य था कि जो आपका कैश है वो आपसे ले लिया जाए कैशलेस इकोनॉमी के नाम पर। और जब गरीब लोग खाता खुलवाने के बाद मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे तो कहा कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कीजिएगा तो फाइन देना पड़ेगा। तो हम बोले थे कि हमारा खाता खोल दो, हम बोले थे कि हमारा खाता खोलो। सरकार ने बोला कि खाता खुलवाओ, हम खाता खुलवाए और अगर मिनिमम बैलेंस हम नहीं रख पा रहे हैं तो सरकार से फाइन लो, हम फाइन नहीं देने वाले हैं। यह बात हमको बोलना चाहिए ना। और कौन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करता है? बेरोजगार, स्टूडेंट, गरीब, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, महिला, अरे पति के पॉकेट से निकाल करके 100-100 रुपया का जो सेविंग करती है वही अपना मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाती है ना। उससे ये हर साल करोड़ों रुपया फाइन से वसूल रहे हैं और वह जो फाइन का पैसा है वो माल्या और नीरव मोदी के ऊपर लुटा रहे हैं। ये है बैंकिंग सिस्टम। तो नोटबंदी का उद्देश्य पता चला। ये जो तमाम नीतियां लाई जा रही है, नीति के बारे में जो सरकार कहती है और उसका जो असली नियत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और रियलिटी में लागू क्या होता है? अंबानी अदानी का साथ, अंबानी अदानी का विकास, अंबानी अदानी का विश्वास। क्यों? क्योंकि उसके अलावे इस देश की किसी भी जनता को कोई लाभ होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जनता रोज बरोज किसी ना किसी समस्या से जूझ रही है। बाल बच्चा को पेट काट करके इंजीनियर बनाया है। इंजीनियर बनने के बाद बेटा कॉल करता है, वीडियो कॉल, माय मम्मी जॉब नहीं है,
थोड़ा और पैसा भेज देती तो MBA कर लेते। माँ बाप कर्जा लेकर के पहले इंजीनियरिंग करवाएं, फिर कर्जा लेकर के उसको MBA करवाएं, और MBA करने के बाद कहेगा कि मम्मी अभी भी जॉब नहीं है, तो क्या करें? तो चलो घर घर घूम घूम करके एक्वा गार्ड बेचते हैं। अगर एक्वा गार्ड ही बेचना है, फेना सरफ ही घर घर घूम करके बेचना है, तो हमको बताइए कि 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया खर्च करके इंजीनियर बनने का क्या जरूरत है, 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च करके MBA करने का क्या जरूरत है, लाखों रुपया खर्च करके नर्स का ट्रेनिंग करने का क्या जरूरत है, लाखों रुपया खर्च करके BEd का ट्रेनिंग करने का क्या जरूरत है? समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले लोग PhD करता है, उसके बाद BEd करने के लिए जाता है, पहले BTech करता है, उसके बाद BEd करने के लिए जाता है। वो क्या चल रहा है देश में? कोई अगर इंजीनियरिंग किया है तो उसको BEd करने की क्या जरूरत है, कोई अगर PhD किया है तो उसको BEd करने का क्या जरूरत है? क्योंकि लगता ये है कि PhD करने से तो जॉब मिल नहीं रहा है, BTech करने से तो जॉब मिल नहीं रहा है, MBA करने से तो जॉब मिल नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं BEd का ट्रेनिंग ले लेते हैं, कम से कम स्कूल में मास्टर बनने का नौकरी मिल जाएगा। और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं, 40% लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। 100 में से 40, आप में से भी बहुत सारे लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। आप कभी सोचे हैं, आपने कभी विचार किया है इस बात पे? टैक्स देते हैं आप सरकार को, हर चीज जो आप खरीदते हैं उस पे आप टैक्स देते हैं सरकार को। सरकार जो चुन करके आती है वो बिजनेस सबमिट कराती है बिजनेसमैन के लिए, लेकिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर होगी इसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार को हम टैक्स देते हैं किस लिए? कि सरकार हमको बदले में सर्विस दे। क्या सर्विस देगी सरकार? सरकार हमको सुरक्षा देगी, सरकार हमारे लिए फिनांस की व्यवस्था करेगी, करेंसी की व्यवस्था करेगी, और सरकार हमारे लिए जो हमारी बुनियादी जरूरत है उन बुनियादी जरूरतों को ठीक करने का काम करेगी। क्या सरकार इस काम को कर रही है? आप धनाधन टैक्स दिए जा रहे हैं, जब आप कार खरीदते हैं तब भी आप रोड टैक्स देते हैं, और कार में पेट्रोल जब भराते हैं तब भी आप टैक्स देते हैं, और जब आप रोड पर चलते हुए अपना घर पहुंचना चाहते हैं तो बीच में जो टोल टैक्स आता है तब भी आप टैक्स देते हैं। तो आप बताइए कि एक सेवा के लिए बार बार हमसे टैक्स क्यों वसूला जाता है? एक सेवा के लिए बार बार हमसे टैक्स इसलिए वसूला जाता है कि इकोनॉमी जिस तरीके से आज नीचे गिर रही है, Yeah.
भाई हाँ। चलिए ना उधर ना मानेगा। दे दिए हैं तो दोबारा हमसे टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? सरकार टैक्स हमसे लेती है और कर्जा अपने दोस्तों को देती है। वो दोस्त कौन है? वो दोस्त वो है जो चैनल के मालिक हैं। वो दोस्त वो है जिनके पास करोड़ों खरबों रुपया है और उस चैनल का इस्तेमाल करके, उस दोस्त का इस्तेमाल करके आज हमसे, हमारे दिमाग से हमारा मुद्दा ही मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। जब भी आप टीवी खोलेंगे तो आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य ये होगा कि ये टीवी हमारा है, ये जो सेटअप बॉक्स है वो हमारा है, इसमें रिचार्ज हम कराए हैं। चाहे पेटीएम से रिचार्ज कराएं कि गूगल पे से रिचार्ज कराएं या रिटेल शॉप पे जाकर के रिचार्ज कराएं, लेकिन इस टीवी में मुद्दा हमारा नहीं है, इस टीवी में हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है, इस टीवी में हमारे बच्चों का भविष्य का बात नहीं किया जा रहा है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि आप जो बात बोलना नहीं चाहते हैं वो बात आपके मुंह में डाल दी जाती है, जो बात आप सोचना नहीं चाहते हैं वो बात आपके दिमाग में डाल दी जाती है। सालों से इस देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते आए हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारे बीच में मतभेद भी होता है, झगड़ा भी होता है, लड़ाइयां भी होती हैं, बहसें भी होती हैं, लेकिन कभी कोई ये बात नहीं कहता था कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। आज स्थिति यह है कि आप सरकार की आलोचना कीजिए, सरकार के समर्थन में बोलने वाले लोग तुरंत आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ। मैं बड़े आराम से उनसे एक सवाल पूछता हूं कि तुम जिस सरकार का समर्थन कर रहे हो उस सरकार को आरएसएस चला रही है, और आरएसएस की वेबसाइट पे जाओगे, आप लोग भी जाकर के देख लीजिएगा, सबके हाथ में मोबाइल है, वेबसाइट पे जब आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, आर्यावर्त का निर्माण करेंगे, जिस आर्यावर्त में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब शामिल होगा। लेकिन दोस्त जो ऑलरेडी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज दोगे तो अखंड भारत का निर्माण कैसे करोगे? जो ऑलरेडी आसाम और बंगाल में रह रहे हैं एनआरसी के नाम पे उनको बांग्लादेश भेज दोगे तो अखंड भारत का निर्माण कैसे करोगे? असल मसला ये है कि इनको भारत का निर्माण नहीं करना है, इनको
मंदिर का निर्माण नहीं करना है, इनको सरकार का निर्माण करना है, इसको सरकार बनानी है। इसीलिए ये हर कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं, और जब चुनाव नहीं जीत पाते हैं तब जीते हुए एमएलए को खरीद करके अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं। अभी पूर्वोत्तर के राज्य में ऐसा हुआ कि भाजपा के पास एक भी सीट नहीं था सिक्किम में, सारा का सारा विधायक खरीद करके वो सिक्किम का अपोजिशन पार्टी बन गया है। मतलब समझ रहे हैं कि पहले होगा हिंदू मुसलमान, जब हिंदू मुसलमान से भी आपका दिमाग खराब नहीं होगा तब होगा ईवीएम, ईवीएम को भी अगर आप नहीं होने देंगे तब होगा पेटीएम, तब बनेंगे पीएम, और पीएम तब कहेंगे भाइयों बहनों हम तो देश के विकास के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अरे आप तो 14 से विकास को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले 3 तलाक पैदा हो गया अब 370 पैदा हुआ है, विकास कब पैदा होगा? तो विकास के जो ओरिजिनल फादर हैं, अंबानी जी ने कहा कि हम पैदा करेंगे कश्मीर में विकास। ये बात समझना बहुत मुश्किल नहीं है, जो बात हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं आप भी बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि इस देश में अगर इंसान को किसी चीज के नाम पर बेवकूफ बनाया जा सकता है तो वो है धार्मिक भावना। धार्मिक भावना के नाम पर एक इंसान को दूसरे इंसान के विरुद्ध में खड़ा किया जा सकता है, धार्मिक भावना के नाम पर लोगों का जो उनका हक और अधिकार है उससे उनका ध्यान हटाया जा सकता है, धार्मिक भावना के नाम पर इतिहास के गरे मुर्दों को उखाड़ कर वर्तमान में आपको आपस में लड़ाया जा सकता है। अब ये कौन जानता है आप बताइए कि बाबरी मस्जिद किसने बनवाया, बाबरी मस्जिद किसने बनवाया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद किसने तोड़ा ये हम जरूर जानते हैं। सवाल ये है कि अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी तो वो गलत था, तो क्या उस गलती का बदला आज आप हमसे लीजिएगा, उसका बदला आज आप हमसे लेना चाहते हैं? ये इतिहास के गरे मुर्दे क्यों उखाड़े जाते हैं? क्योंकि जब आप इतिहास का गरा मुर्दा उखाड़ते हैं तो वर्तमान पर से लोगों का ध्यान अपने आप हट जाता है। वर्तमान में लोग यह विचार करने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं कि हम मर रहे हैं भूख से और बचाना चाहते हैं धर्म, संकट है बेरोजगारी का और कहते हैं कि धर्म संकट में है, संकट है कि किसानों को उनके अनाज का दाम नहीं मिल रहा तो आप कहते हैं कि भारतीय संस्कृति खतरे में है। इस साजिश को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए जब मैं आज बंगाल में खड़ा हूं तो मैं आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि बंगाल वो धरती है जिसने अंग्रेजों को सबक सिखाना शुरू किया था, यहां से आजादी की आंदोलन की बुनियाद रखी गई थी। बंगाल वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन के बाद जब विभाजन हुआ तो सबसे ज्यादा दर्द झेला है, और बंगाल की ये सांस्कृतिक ताकत है कि पाकिस्तान ने ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया हिंदुस्तान से धर्म के नाम पर, माउंटबेटन ने नेहरू जी के जमाने में, जिन्ना जी के जमाने में उस ईस्ट बंगाल को इस वेस्ट बंगाल से अलग कर दिया। लेकिन देखिए कि संस्कृति और भाषा का जुड़ाव कितना गहरा होता है कि बांग्लादेश का निर्माण धर्म के नाम पे नहीं भाषा के नाम पे हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति दरअसल हिंदुस्तानी संस्कृति है, और हिंदुस्तानी संस्कृति की खास बात यह है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं, हम अलग अलग धर्म के होते हुए भी एक हैं, हम अलग अलग भाषा बोली बोलते हुए भी एक हैं, हम अलग अलग खान पान और संस्कृति को मानते हुए भी हम एक हैं,
और यह जो विविधता में हमारी एकता की ताकत है, इस एकता को जो तोड़ने का प्रयास है, इस प्रयास को हमको विफल करना पड़ेगा। तभी जा करके यह जो आजादी 15 अगस्त 1947 को हमको मिली है, हम उसको सुरक्षित रख पाएंगे और भारत को तोड़ने की हर साजिश को हम नाकाम कर पाएंगे। इसीलिए आजादी की संध्या में स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता दिवस की याद में हम आप तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आजाद होने का मतलब होता है कि जो आजादी आपको आपके संविधान ने दिया है उस आजादी की रक्षा करना, और उस संविधान ने आपको कहा है कि आजाद होने का मतलब होता है आजाद ख्यालात को मानना, आजाद ख्यालात पे चलना, आजाद ख्यालात के रास्ते को आगे बढ़ाना। और आजाद ख्यालात के रास्ते पे आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि हम सवाल उन तमाम ताकतों से पूछेंगे जिनको हमने इस देश की गद्दी सौंपी है। हम उनसे ये पूछेंगे उनके तमाम साजिशों और कोशिशों को नाकाम करते हुए कि बताइए विकास कहाँ है, बताइए 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, बताइए काला धन का क्या हुआ, बताइए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा। ये सवाल हम उनसे पूछेंगे। और आजाद भारत का नागरिक होने का मतलब, देश प्रेमी होने का मतलब सरकार की अंधभक्ति करना नहीं, बल्कि सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना होता है। और यही सवाल देश की जमहूरियत को जिंदा रखता है, यही सवाल देश के लोकतंत्र को जिंदा रखता है। इसीलिए जब आज आजादी को आप मना रहे हैं, 15 अगस्त को आप याद कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन जब आप उस आजादी के तराने को गा रहे हैं, तो हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि इस आजादी को जिंदा रखने के लिए, इस लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जरूरी ये है कि अपने हुक्मरानों से, अपनी सरकारों से सवाल पूछा जाए, अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर निकला जाए, अपनी नागरिकता की रक्षा के लिए तमाम तरीके के धरना आंदोलन प्रदर्शनों को किया जाए, और इस संविधान की रक्षा करते हुए उस आवाज को, उस लड़ाई को, उस नारे को फिर से दोहराया जाए, जय जवान जय किसान जय संविधान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।